हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेट लॉस चिकन रेसिपी या फिर हेल्दी डाइट हेल्दी चिकन रेसिपी। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर लें ऐसे नए नए वीडियोज़ देखने के लिए। हेल्दी चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया 1 kg चिकन और उसमें अभी डाल रही हूँ सॉल्ट 1 tablespoon और उसमें अभी डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर 1/2 tablespoon, दही 1/4 cup और इसमें आलू मैं ले रही हूँ 5 small size के और उसे मैंने डाइस शेप में काट लिया है और इस सब को डाल के अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मिक्स करने से बहुत अच्छे से ये कोट हो जाता है। तो इसे हमें 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन करना है। तो अभी एक बड़ा सा पैन ले रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का। खड़े मसाले में मैं ली हूँ 1 तेज पत्ता, 3 से 4 लौंग, 1 इलायची, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी का और 1 छोटा चम्मच जीरा। तो ये सबको डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे चिकन में। तो 2 से 3 सेकंड इसे सौते कर लेंगे। फिर मैं डालूंगी यहाँ पे 1 medium size का प्याज और उसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसे 2 से 3 मिनट इसे हमें फ्राई कर लेना है जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए और गैस का फ्लेम मीडियम में है। तो अभी इसी स्टेज में मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सो इसे 1-2 मिनट हमें अच्छे से भून लेना है। उसके बाद में इसमें डाल रही हूँ 1 medium size का टमाटर, इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। तो ये सब को अच्छे से 4 से 5 मिनट हमें भून लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो अभी मैं इसी स्टेज में डाल रही हूँ 1/2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर या मैंने यहाँ पे कश्मीरी चिली पाउडर डाला हुआ है। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ 1/2 tablespoon और इसे अच्छे से भून ले। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने कश्मीरी चिली पाउडर ऐड किया था इससे कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच के करीब मैं चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ और वो सब डालने के बाद थोड़ा सा पानी दे इसे अच्छे से मैं भून लूंगी। अब जितना अच्छे से इसे भूनेंगे हमारा चिकन का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना कम ऑयल हमने यूज किया हुआ है। तो ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से इसको भून लेंगे पूरा। तो अभी ये 10 से 15 मिनट हो चुका है, मैंने अच्छे से भून लिया है इसे पूरा। अभी हमने जो मैरिनेट करके चिकन और आलू को रखा था उसे अभी डाल देंगे और गैस का फ्लेम इसी स्टेज पे आप थोड़ा हाई पे कर सकते हैं क्योंकि हमने दही इसमें ऐड किया हुआ है। तो इससे क्या होगा ना, बहुत ही पानी निकलता है, तो इसीलिए आप चाहे तो थोड़ा सा फ्लेम हाई कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। हमको लगता है कि ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा मसाले डालने से ही हमारा करी अच्छा बनता है, वैसा कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे ये एक बार ये चिकन ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो अभी देखिए ऐसे सब मिक्स करके हमें लीड दे देना है और लीड को कवर करके हमें 10 से 15 मिनट इसे कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम में। तो अभी 15 मिनट हो चुका है, तो अभी देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चिकन हमारा कुक हो रहा है। तो अभी इसी स्टेज पे हमें लीड को थोड़ा निकाल के देखते हैं चिकन कुक हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कैसे कलर इसका चेंज हो गया है और कितना पानी भी निकला हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था हमने दही ऐड किया है इसलिए इससे पानी निकल रहा है अभी। और इसी स्टेज में मैं इसमें थोड़ा डालूंगी चिकन तंदूरी मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हेल्दी चिकन में, आप ज़रूर ट्राई करें। तो 1 बड़ा चम्मच ही मैंने डाला हुआ है। तो ये सब मिक्स करके फिर से हमें लीड कवर करके इसे भून लेना है। तो देखिए मैंने लीड को हटा दिया है और मैं इसे कंटिन्यूअसली भून ले रही हूँ मसालों के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना यमी दिख रहा है हमारा चिकन, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना ये हेल्दी है, लेकिन ये हेल्दी चिकन ही है, मैंने पूरा कम मसाला और ऑयल से बनाया, आपने तो देखा। तो देखिए अभी इस स्टेज में मैं 1 glass पानी दे रही हूँ और इसे लीड दे के कवर कर लेंगे और 15 से 20 मिनट और कुक कर लेंगे जैसे कि ये चिकन और आलू अच्छे से गल जाए। तो देख सकते हैं कि अच्छे से बॉयल आ गया है, ये आलू और थोड़ा कुक होगा, अभी तक आलू ठीक से गला नहीं है हमारा। चिकन ऑलमोस्ट कुक हो चुका है क्योंकि हमने दही ऐड किया हुआ है इसलिए चिकन जल्दी से कुक हो जाएगा। तो और 10 से 15 मिनट मैंने इसे लीड कवर करके कुक होने के लिए मीडियम फ्लेम में छोड़ दिया था। तो देखिए पानी भी काफ़ी कम हो चुका है, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा सूखा बनाऊंगी इसे। तो अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा चिकन।
तो आप आपको जैसे चिकन पीसेस पसंद है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म हेल्दी चिकन करी रेडी हो चुका है, तो आप इसे राइस या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के लिए। आप अगर हेल्दी डाइट कर रहे हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल में नए हैं जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।